हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप स्टूडेंट? आज स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 लाइन एंड एंगल्स। स्टूडेंट हमने इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें 6.2 के कुछ हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस किए थे, एंड आफ्टर दिस उसके बाद हमने लाइव क्लास में इसी 6.3 के कुछ क्वेश्चन थ्योरम डिस्कस की थी, और आज हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं और डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.3। सो स्टार्ट करें स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, एक फिगर है देखिए व्हाइट बोर्ड पर स्टूडेंट, कुछ एंगल्स गिवन है यहाँ पर और बाकी हमें रिमेनिंग एंगल फाइंड करने हैं। इन दिस फिगर साइड QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल PQR है देखिए स्टूडेंट, PQR, इसमें QR जो है इसको एक्सटेंड किया है T तक, T पॉइंट, और दिस एंगल इज 110 डिग्री, एंड PQ आल्सो एक्सटेंड, इसको भी आगे प्रोड्यूस किया और पॉइंट एस तक, इसको भी हमने पॉइंट एस तक किया, एंड एंगल एस पी आर इज 135 डिग्री। फाइंड एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू हमें फाइंड करना है। सो स्टूडेंट एंगल पी क्यू टी 110 डिग्री, एंगल एस पी आर 135 डिग्री गिवन इन क्वेश्चन। ओके, फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम इस एंगल को फाइंड कर लें, एंगल पी क्यू आर को। इस पी क्यू आर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंगल वन से, और एंगल क्यू पी आर को हम एंगल टू नेम दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, एंगल वन प्लस 110 लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पर, इनका रिलेशन क्या है, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर में जो पेयर होता है एंगल का सम 180 डिग्री। सो 110 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, और सेम यहाँ पर भी सिचुएशन होगी स्टूडेंट। जब ये टू एंगल्स, टू इंटीरियर एंगल हम फाइंड कर लेंगे ट्राइंगल के, देन एंगल AS, देन ट्राइंगल में हम ASP एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, देन हमारे पास दो एंगल हैं, हम थर्ड एंगल को फाइंड कर लेंगे। सो एंगल 1 प्लस एंगल पी क्यू टी इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, एंगल 1 प्लस 110 इक्वल टू 180, एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 110, देन एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री। सो स्टूडेंट ये एंगल 1 हमें 70 डिग्री फाइंड कर लिया है हमने। सेम इसी तरीके से एंगल 2 को फाइंड करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल एस पी आर इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, शॉर्ट में एल पी लिख दिया स्टूडेंट हमने, लीनियर पेयर, एंगल 2 प्लस 135 इक्वल टू 180, एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 45 डिग्री। ओके, तो देखिए स्टूडेंट हमने ये एंगल 1 भी फाइंड किया, एंगल 2 को भी फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एंगल पी आर क्यू को हम फाइंड कर लेंगे। क्या यूज़ करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, एंगल 170
एंड दिस इज 45 डिग्री. इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 ए एस पी. ए एस पी मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल 1 70 डिग्री, एंगल 2 45 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180. एंगल पी आर क्यू 180 माइनस 70 प्लस 45 स्टूडेंट 115. देन एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 65 डिग्री. ओके, सो वी फाइंड थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल, एंगल पी आर क्यू इज 65 डिग्री. क्लियर? सो वी नाउ डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड. एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू, सेकेंड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन. ए ट्राइंगल एक्स वाई जेड एक्स वाई एंड जेड, एंगल एक्स 62 डिग्री गिवन, 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड मीन्स एंगल वाई 54 डिग्री, एंगल एक्स 62 डिग्री, एंगल वाई 54 डिग्री. वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर. वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई एंड एंगल जेड. एंगल वाई एंड एंगल जेड के जो बाइसेक्टर हैं वो ओ पर मीट करते हैं स्टूडेंट. ये हैं बाइसेक्टर, देखिए ओ पर मीट कर रहे हैं ये. ओके, फाइंड एंगल ओ जेड वाई. ओ जेड वाई, एक तो ये एंगल आपको फाइंड करना है, एंगल ओ जेड वाई क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है. एंड एंगल वाई ओ जेड, ये एंगल भी हमें फाइंड करना है, एंगल वाई ओ जेड. ये दो एंगल हमें फाइंड करने हैं स्टूडेंट. तो चलें स्टार्ट करें. सबसे पहले समझ लें स्टूडेंट, हम इस एंगल ओ वाई ओ जेड वाई को फाइंड करेंगे. और ओ जेड वाई को हम देखिए कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट. इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स हमने पता है गिवन है, वाई भी हमें पता है, हम जेड को पहले फाइंड कर लें. और जेड को फाइंड करने के बाद हम एंगल वाई एंड एंगल जेड के बाइसेक्टर फाइंड करेंगे. बाइसेक्टर क्या होंगे? एंगल दिस ओ वाई जेड एंड ओ जेड वाई, ये दोनों हमें मिल जाएंगे. और जब ये दोनों एंगल मिल जाएंगे देन एंगल ट्राइंगल वाई ओ जेड में हम ए एस पी यूज करके हम थर्ड एंगल फाइंड कर लेंगे. ओके, सो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड यूज एंगल सम प्रॉपर्टी, मीन्स एड ऑल द एंगल्स, ऑल थ्री एंगल्स एंड सम इज 180 डिग्री. एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180.
एएसपी, एंगल एक्स 62 डिग्री गिवन, एंगल वाई 54 डिग्री प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180. एंगल जेड इक्वल टू 180 माइनस 62 एंड 54 को अगर हम ऐड करें तो कितना आता है, 4 और 5 6 116. देन एंगल जेड इक्वल टू 68 डिग्री. सो स्टूडेंट हमने ये एंगल देखे फाइंड कर लिया 68 डिग्री. अब हमें क्या करना है, एंगल हमें ये दो एंगल टू एंगल्स फाइंड करने हैं. तो देखिए इसके लिए एंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू हाफ एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड. रीजन ओ वाई इज द बाइसेक्टर, ओ वाई इज बाइसेक्टर. ओके, सो 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 62, 54 इक्वल टू 27 डिग्री. सो स्टूडेंट ये एंगल ओ वाई जेड 27 डिग्री. सेम इसी तरीके से ओ जेड वाई को भी फाइंड कर लें. ओ जेड वाई एंगल एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई एक्स जेड वाई. स्टूडेंट हमने कितना फाइंड किया था अभी, 64 डिग्री एंगल जो जेड था स्टूडेंट वो 64 डिग्री था, है ना स्टूडेंट. सो 64 डिग्री देन 32 डिग्री. तो ये 32 डिग्री हो गया और ये 27. अब हमें क्या करना है, एंगल वाई ओ जेड फाइंड करना है स्टूडेंट, वाई ओ जेड. और वाई ओ जेड के लिए इस ट्राइंगल में एएसपी यूज़ करेंगे. इन ट्राइंगल एक्स इन ट्राइंगल वाई ओ जेड, वाई ओ जेड एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180. एएसपी ओ वाई जेड स्टूडेंट 54 का हाफ 27 डिग्री हमने फाइंड किया था और ये था 64 डिग्री. और 64 डिग्री का ये देखिए 32 था यहाँ पर, 32 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180. एंगल वाई ओ जेड 180 माइनस 59, 27 प्लस 32 59. एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 121 डिग्री. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट. सो स्टूडेंट आई होप दैट एक्सरसाइज 6.3 हम डिस्कस कर रहे हैं और जो क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं
आपको क्लियर हो गए हैं, बिल्कुल समझ में आ गए हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हैं, आपको ट्राई करने हैं। बट कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।